गुड मॉर्निंग, नमस्ते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लास्ट ब्लॉग में देखा आपने, मैं मारदी हिमालय ट्रेक के व्यू पॉइंट पे आ चुका था। अभी 9 बज रहा है, हम लोग लगभग 6:20 में पहुंच चुके थे। तब से यहाँ पे व्यू एंजॉय कर रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं, मजा ही आ गया। लाइक परेशानी तो कितना हुआ आपने लास्ट ब्लॉग में देखा ही, अगर नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेकआउट करना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, अब हम लोग नीचे की ओर रिटर्न होने वाले हैं। काफी लेट हो गया है, हमारे ग्रुप से एक और आगे तक गई है, हमें वहां तक जाने का हिम्मत नहीं करा। अभी हम लोग नीचे की तरफ रिटर्न होते हैं, हाई कैंप पे जाएंगे और हाई कैंप पे जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद लो कैंप जाएंगे और लो कैंप से फिर सीडिंग जाएंगे। तो अभी के लिए निकलते हैं यहां से। दोस्तों एक बार व्यू एंजॉय करो, क्या खूब नजारा है। ओके भैया, बाय बाय। भैया का एक छोटा सा यहाँ पे शॉप है, भैया पानी वानी चाय वाय का व्यवस्था करके रखे हुए हैं। महंगा तो काफ़ी है, लेकिन इतने ऊंचे पे भी ये सारा व्यवस्था है तो लाइक सही है। भैया कुछ कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छा जगह है, सब घूमने आने का, बस वही वेलकम है सबके लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग इधर से नीचे की ओर उतरने लग रहे हैं। दोस्तों सुबह में तो अंधेरा था, तो कुछ पता नहीं चल रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था कि कितना खतरनाक रूट था, आसपास कितना बड़ा बड़ा खाई था। अभी ये देखो दोस्तों, अभी भी कैमरा में उतना समझ में नहीं आ रहा है, ये पूरा यहाँ से पूरा गहरा खाई है और इधर भी वैसे ही है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर जाने लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, हाउ ओल्ड आर यू? 67 एंड यू आर ट्रैकिंग? आई एम। ग्रेट, व्हाई नॉट? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ब्यूटीफुल। या थैंक यू, थैंक यू फॉर लेटिंग अस विजिट योर ब्यूटीफुल कंट्री। Are you Nepali? No, I am Indian. Indian. Yeah. Lots of Indians come here. Yeah, we have connected land borders. Yeah. Yeah. Good. No passport, no visa, nothing is required. Good. Yeah. Anyway, see you later. Okay, happy journey. Thank you. You are from Australia? No, England. England. Okay. Thank you. बाय। भाई साहब देखा आपने, वो औरत 67 इयर्स ओल्ड थी और वो ट्रैकिंग कर रही है। यार सोचो, हम लोग तो युवा हैं, 24-25 साल के, और वो 67 इयर्स ओल्ड, बहुत बड़ी बात है भाई। मैं उनसे बोला कि आप इस उम्र में ट्रैकिंग कर रही हो, कह रही है व्हाई नॉट, और वो अंग्रेज थी, इंग्लैंड से थी। हैट्स ऑफ टू हर, यार बहुत बड़ी बात है, लाइक बहुत खतरनाक रास्ता है। और दोस्तों ऐसे कुछ चलते हुए हमें नीचे जाना है, देखो फिर चढ़ाव भी आएगा, उतराव ज़्यादा है लौटने के समय, लेकिन चढ़ाव भी आएगा। मज़ा तो आ रहा है भाई साहब, और अभी थोड़ा एनर्जी आ गया है, लगभग 3 घंटे हम लोग वेट किए हैं उधर, अभी थोड़ा सा एनर्जी आ गया है। दोस्तों सुबह में अंधेरे में नहीं बता पाया था कि देखो कितना ऊंचा चढ़ना पड़ा था, यहाँ से भी बहुत ऊँचा है यार, कैमरा जज नहीं कर पा रहा। और अभी और काफ़ी नीचे जाना है, और इधर देखो इधर का भी। दोस्तों अब बस पहुंचने ही वाले हैं हाई कैंप, उधर ऊपर कहीं हम लोग रुके हुए हैं। दोस्तों हाई कैंप पहुंच चुके हैं, ये है पीछे होटल, यहीं पे हम लोग रुके हुए हैं। तो अभी यहां से ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आगे की ओर निकल जाएंगे, और तब तक सुजाता भी आएगी, उसका भी इंतजार करना है, वो आएगी तब सब 5 जन साथ में फिर नीचे की ओर निकल जाएंगे। दोस्तों ब्रेकफास्ट आ चुका है, और ब्रेकफास्ट में आज भी तिब्बतियन ब्रेड, ब्लैक टी और चना आलू का सब्जी है, और साथ में नॉन वेज वालों के लिए एडिशनल एग है, साथ में दोस्तों हनी भी ले लिए हैं। दोस्तों अभी हाई कैंप पे ही 12:30 हो गया, क्योंकि सुजाता जो है वो बेस कैंप तक चली गई थी और उसको आने में टाइम लग गया, बट कोई बात नहीं, अब हम लोग अपना ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं, रिटर्न होते हैं यहाँ से। अभी ये ट्रैक यहाँ से सीडिंग तक की होगी, और सीडिंग से हमें जीप मिल जाएगी, और वहाँ से जीप से फिर पोखरा चले जाएंगे। तो फाइनली हम लोग अब माद्री हिमालय का ये खूबसूरत पहाड़ी छोड़ के
जा रहे हैं। दोस्तों इधर देखो, बादल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है ब्लैंक है पूरा। और इधर देखो पहाड़ियाँ, और पहाड़ों पे भी बादल। और ये कौन सा, ये भी कोई बेस कैंप है क्या संचित? पूर्णा 3 है वो, ये 3 है पता नहीं। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आराम करने लग रहे हैं। दोस्तों लो कैंप पहुँच चुके हैं, यहाँ से सीडिंग तक की ट्रैकिंग है। और लो कैंप से सीडिंग जाएंगे, और सीडिंग से फिर जीप लेके पोखरा के लिए जाएंगे। दोस्तों सीडिंग की रूट इधर से है, और सीडिंग तक की ट्रैकिंग लगभग 2 से 2.5 घंटे तक की है। दोस्तों 2 बज रहा है, हाई कैंप से लो कैंप तक आने में लगभग 2.5 घंटे का समय लग गया। वही आप यहाँ से वहाँ तक जाते हो तो लगभग 4 घंटे के आसपास का समय लगेगा, और यहाँ से सीडिंग तक जाने के लिए लगभग 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। देखते हैं हम लोग कितने देर में पहुँचते हैं, अभी तक तो टाइमली है। टाइम से पहुँच जाए तो हमारे लिए ही बेटर रहेगा, क्योंकि हमें कल हर हाल में बॉर्डर क्रॉस करना है, क्योंकि हमारा भंसार बस कल तक के लिए ही है। दोस्तों यही है वो पहाड़ जिसको हम लोग देखने गए थे कल से, और अभी पिछले 7 घंटे से, लगभग 7 घंटे से चल रहे हैं, और अभी नीचे नहीं पहुंचे हैं। पांच बज रहा है, लगभग 3 घंटा लग गया लो कैंप से सीलिंग तक आने के लिए। अभी एकदम नीचे तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ से जीप दिखाई दे रहा है। आप लोग देख सकते हो यार, मतलब आवाज से ही आप लोग समझ सकते हो गे कि कितना तकलीफ में हूँ मैं हूँ, कितना हेक्टिक ये ट्रेकिंग हो गया, कितना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ हमें। लाइक 5 दिन का ट्रेक लगभग आप 2 दिन में खत्म करते हो, समझ ही सकते हो कितना परेशानियां झेलना हो तो आप कितना थकते हो। मैं जम के थक गया हूँ भाई। और यहाँ से देखो जीप दिखाई देने लग रहा है, अभी भी ये दूर है, लगभग 10 मिनट लगेगा नीचे जाने में। दोस्तों 5:10 हो रहा है, और मैं सीडिंग जीप स्टैंड के पास पहुंच चुका हूं। यहां से पोखरा आज हम लोग जाएंगे, और पोखरा जाने के लिए लगभग 1.5 से 2 घंटा टाइम लगेगा। देखते हैं कैसा रहता है आज का हमारा जर्नी। ये 3 और एक मैं, 4 लोग तो पहुंच गए हैं, लेकिन एक जो कृपा है वो अभी नहीं पहुंची है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो भाई यही बुलोरो हमें सीडिंग से पोखरा की ओर लेके जाएगी, जिसका हमें 1,000 पर पर्सन पे करना है। तो अभी चलते हैं आगे की ओर, और देखते हैं आज कुछ कर पाते हैं या नहीं। अभी मुझे सोवेनियर्स भी खरीदना है, और कल हमें बॉर्डर क्रॉस करना है। दोस्तों सीडिंग भी काफ़ी ऊपर है, तो वहाँ से हम लोग बोलेरो से जा रहे हैं, और फुल ऑफ रोडिंग चल रहा है। और रास्ता में कुछ झरना भी आया था, अपोजिट साइड में था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और अभी हम सब लोग जाने लग रहे हैं। दोस्तों 7:30 हो रहा है, और अभी हम लोग पोखरा होटल में पहुंच गए हैं। तो अभी जा रहे हैं, थोड़ा फ्रेश व्रेश हो लेंगे, फ्रेश होने के बाद जाएंगे लोग डिनर करने, और उसी समय अगर टाइम मिला तो आज ही सोवेनियर्स भी खरीद लेंगे, क्योंकि सुबह क्या सौरभ भैया, क्या सौरभ भैया क्या बोल रहे हैं इधर देखो क्या भाई, हम लोग पहाड़ चढ़ के आ गए। कौन सा सुई है सिला? सच में? अरे यार दोस्तों मिलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग डिनर कर चुके थे, और डिनर करने के बाद हम लोग लेक साइड स्ट्रीट पे घूमने लगे थे। न्यू ईयर पास था तो कुछ अलग ही माहौल था, लाइक इसके पहले हम कहीं के भी स्ट्रीट पे इस टाइप का माहौल नहीं देखे थे। सब जगह म्यूजिक चल रहा था, और रास्ते पे लोग डांस कर रहे थे, और सबसे प्यारा तो तब लगा जब सबसे ज़्यादा हमारा भोजपुरी सॉन्ग चल रहा था। हम लोगों ने भी थोड़ा देर इंजॉय करा, मस्त पार्टी चल रहा है एकदम, तो थोड़ा सा मज़ा लिया हमने। रिकॉर्ड तो किया नहीं कुछ, लेकिन मज़ा लिया, और अभी रूम पे आ गए हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।